गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ये कुछ उसके टाइप्स हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, फिक्स वेक्टर और इस तरीके से। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नोन एज एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है। अगर हमें दो से ज़्यादा वैक्टर्स को ऐड करना है तो हम उसके लिए किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। हालांकि ये चीज़ें आप 11th क्लास के अंदर थोड़ा रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस का छोटा पार्ट है ये, आगे हमें इसका यूज़ करना है तो हम यहाँ पर इसको स्टडी आउट करेंगे भी। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ओ से लेकर के ए मान लेते हैं हम, और एक ओ से लेकर के सॉरी ए से लेकर के ये दूसरा वेक्टर है। एक को हमने पी का नाम दे दिया, दूसरे को क्यू का नाम दे दिया। जब हम पी और क्यू को ऐड कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन है ये और दूसरे की डायरेक्शन है ये। तो जब हम ऐड करेंगे तो ना तो ये डायरेक्शन रहने वाली और ना ये, इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाता है, दिस वन इज द डायरेक्शन। और ये जो लाइन ओ से लेकर यहां तक रिप्रेजेंट हो रही है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करेंगे या इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट दोनों का सेम ही आना है, ठीक है। जब आप 11th की बुक उठाएंगे तो इसमें काफी डिटेल में आपको इसको सॉल्व करके दिखा रखा है। यहाँ एक ट्रायंगल बनी है, इसके बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होने के बाद जब हम इन दोनों को, ये क्यू वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, इसके बाद ये वेक्टर और ये, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और जब फाइनल रिजल्ट हमें रिजल्टेंट के लिए आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो आर मिलता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू योर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा की टर्म्स में, ठीक है। नॉर्मली हम आर को लिख देते हैं पी प्लस क्यू, ठीक है, या इसको हम क्यू प्लस पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। जब भी हम दो वेक्टर्स को लिख रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में, तो जो आर है हमारा जनरली हम पी प्लस क्यू लिख देते हैं। लेकिन इस आर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड स्केयर रूट ऑफ पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब हमें ये तो पता चल गया कि वो लाइन कितनी लंबी होगी, यानी लेंथ कितना होगा या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको डायरेक्शन की टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं और वी कैन से एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर का एंगल, तो हम टेन अल्फा या बीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन वैल्यू। तो ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं, 11th की बुक उठा करके आप इनकी काफ़ी डिटेल को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अभी रिजल्ट दे रखे हैं तो रिजल्ट से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है वेक्टर के एडिशन की प्रॉपर्टीज में। तो जो वेक्टर होते हैं हमारे पास, सबसे पहली चीज़ वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव का मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं हमारे, अगर उनके साथ तीसरी वैल्यू भी ऐड कर दी जाए, तीसरी वैल्यू ऐड करने का मतलब ये कि पी क्यू और एस हैं हमारे पास, तीन वैक्टर हैं, तो अगर हम पी प्लस क्यू को ऐड करके फिर एस को ऐड करें या क्यू प्लस एस को ऐड करके पी को ऐड करें तो भी रिजल्ट सेम रहने वाला है, एंड दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग के, किसी को पहले लिख सकते हैं किसी को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स एडिशंस। अब ये तो हुआ एडिशन हमारा, इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म आती है रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, ये वाला रिजल्ट दे रखा है हमें, जैसे पिछले में तो हमें दे रखा था ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, फिर इन दोनों को हमने ऐड करके ये तीसरा निकाला था, ठीक है। लेकिन अब की बार हमें क्या दे दिया, ये दे दिया ए, सिर्फ ए, इसको एक्स के डायरेक्शन में जाना है नीचे की तरफ
और वाई की डायरेक्शन में जाना है, इनको रिजोल्व करना है, दो पार्ट्स में रिजोल्व करना है, तो दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये दो वेक्टर्स के लिए है हमारा, ठीक है। अगर दो के लिए समझ में आ जाएगा फिर नीचे तीन के लिए भी आ जाता है। अब ध्यान से देखें, ये वेक्टर ए हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको यहां से डॉटेड लाइन से मिला दिया एन पॉइंट पर और नीचे एम पॉइंट पर मिला दिया हमने। तो जब हम इसको नीचे की डायरेक्शन में ले जाएंगे यानी एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं तो ये एक ट्रायंगल यूज हो रही है हमारी ओपीएम, ठीक है, ओपीएम ट्रायंगल। ओपीएम में क्या है कि हम पी से एम की तरफ इसको नीचे ले जाएंगे, और पी से एम का मतलब, अब ये देखो, ये एक आपकी परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गए जिसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो जब हम पी को एम की तरफ ले जाते हैं, पी को एम की तरफ, तो इसका मतलब हम बेस की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं कि हम ओ एम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए कॉस थीटा, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू ए और एंगल बी बाय एच हो गया ना, क्योंकि ये हो गया बेस आपका और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हम इसको यहां ले जाना चाहते हैं इस तरीके से, तो हमने हाइपोटेन्यूस की तरफ ले, हाइपोटेन्यूस को बेस की तरफ ले जा रहे हैं, और ओ एम निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा बी बाय एच, ठीक है। और हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं हम, ठीक है, अब ये देखिए परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है, बेस की तरफ नहीं जा रहा, ये तो था बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो गया, पी बाय एच, और पी बाय एच का मतलब साइन थीटा। तो ओ एन लिख दो इसको, या इसको क्या लिख दो, ए वाई लिख दो, दोनों ही वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो हमने एक बार इसको नीचे की तरफ ले गए तो ये ए एक्स से रिप्रेजेंट हो गया, और एक बार इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले गए तो ए वाई हो गया। तो यही चीज जब हम एक्स और वाई की डायरेक्शन में हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक्स की डायरेक्शन में इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और वाई की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ए वाई साइन थीटा। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी होगी, यानी जब भी हम बेस की तरफ जाएंगे तो कॉस थीटा एंगल, और परपेंडिकुलर की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, सपोज करो ये ट्रायंगल ले लो या ये ले लो, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ए एक्स पी स्केयर, और ये बेस और परपेंडिकुलर का स्केयर हो जाएगा, और ए एक्स स्केयर कॉस थीटा और साइन थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा क्या वैल्यू होती है, वन। तो यहां पर इसने वन नहीं लिखा, ठीक है, तो सिंपल वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ए। और अगर इस थीटा को निकालना है तो थीटा क्या हो सकता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिस इज परपेंडिकुलर ए वाई, ये इसके बराबर है और ये आपका बेस, तो टेन थीटा ये इसकी वैल्यू है। तो दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम रेजोल्यूशन करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में, तो उसका रिजल्ट है दो कंपोनेंट, सिर्फ दो में, एक्स और वाई में, तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर स्केयर रूट के साथ, और टेन थीटा उसकी डायरेक्शन ए वाई बाई ए एक्स। रेजोल्यूशन नीचे की तरफ है तो कोस, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल दो के लिए। अगर वैल्यू तीन के लिए आ जाए तो क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जो है बुक को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल अच्छे के लिए हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर का तीन डायरेक्शंस के अंदर है, एक्स वाई और जेड के लिए। दो के लिए तो हम कर चुके हैं, अब तीन के लिए। अब ये देखिए, ये हमारा ए की वैल्यू है जैसे उसमें थी, तो ये तो एक्स हो गया और ये वाई मान लेते हैं, और अब ये तीसरी डायरेक्शन जेड की आ गई हमारे पास, ये क्योंकि स्पेस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जेड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस ए को, ठीक है, निकालना चाहते हैं, मतलब इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं।
तो ये कंपोनेंट डिवाइड करना है। तो अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनेगी, मेन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? ओ पी और सी, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है? यहां से निकलेगी। कैसे निकलेगी? इन दोनों कंपोनेंट से निकलेगी। ये कंपोनेंट कौन सा है? वाई का। और ये कंपोनेंट कौन सा है? जेड का, सॉरी ये एक्स का कंपोनेंट है, ये एक्स का कंपोनेंट और ये जेड का। तो इसकी वैल्यू दोनों के बीच में हो गई, तो ए एक्स प्लस ए जेड, जैसे अभी निकाला है हमने बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये तो हो गया दोनों का मिक्सअप, और ये कौन सा है? वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे पास? ए एक्स प्लस ए जेड, ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, और ये ए वाई, क्योंकि ओ पी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ओ सी प्लस सी पी के। और ये हमें कैसे मिला था? इन दोनों से मिला था। और ये क्या था? ए वाई। तो इसका मतलब तीन कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर की वैल्यू, ए की वैल्यू एक्स वाई और जेड में डिवाइड हो जाएगी। ये हमेशा के लिए अब आपने याद रख लेना है, यानी कि जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो तो स्पेस में उसको हमने एक्स वाई और जेड के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। इट मीन्स ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। अब आप ये कहेंगे कि आई जे और के कहाँ से आ गए यहाँ? आई जे और के एक्चुअल में इनके यूनिट वेक्टर्स कंपोनेंट हैं। आई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट है, जे वाई की डायरेक्शन में यूनिट है, और के जेड की डायरेक्शन में यूनिट कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये इनके यूनिट कंपोनेंट्स हैं आई जे और के। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कैप के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हमेशा हम कैप से लिखते हैं। तो अब आगे के लिए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, जब भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो दो की बजाय तीन कंपोनेंट्स। अब ए की बजाय अगर आपसे सी पूछ लिया जाता तो सी की वैल्यू क्या होती? सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब आप जरूरी नहीं है यहाँ ए लगाएं, क्योंकि आई के साथ कैप लगा हुआ है, जे के साथ कैप लगा हुआ है। अगर ऐसे लगाते हैं तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाते तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो किसी भी वेक्टर को अगर हमने रेक्टेंगुलर में लिखना है, चाहे ए हो बी हो कोई भी हो, उसको इस तरीके से लिखना है अब आगे, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, जैसे इससे पहले हमने दो में लिखा था, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या था? ए एक्स प्लस ए वाई, ये लिखा था हमने उसको। लेकिन अब तीन आ गए हैं तो एक्स आई वाई और जे और यूनिट वेक्टर के साथ। मैग्नीट्यूड की जब बात करी तो ए को हमने क्या लिखा था? स्केयर रूट ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? ये देखो, ये रहा मैग्नीट्यूड इसका, ए एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर स्केयर रूट के साथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड। वो ट्रायंगल बन जाएगी, और उस ट्रायंगल में हमारे पास ये तो देखो ए है, और यहाँ पर दो इकट्ठे कंपोनेंट थे। किस किस का कंपोनेंट था? ए एक्स का और ए जेड का, और ये कौन सा था? ए वाई। तो इन दोनों का स्केयर, इसका स्केयर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पोजीशन निकालनी है अगर हमें, पोजीशन वेक्टर आर, ओ पॉइंट स्पेस में कहीं भी, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, ओ पोजीशन से हम पी पॉइंट को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो आर से रिप्रेजेंट होती है, पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट होगा। और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स से भी डिस्टेंस पर है, वाई से भी है और जेड से भी है। तो एक्स आई वाई जे और जेड के, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये इसका वैल्यू हो गई आर की, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। जो भी मैंने अभी बॉक्सेस में क्लोज किया है तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे रिजल्ट के लिए यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी की भी पोजीशन वेक्टर से लिखना है तो आर से रिप्रेजेंट होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड लिखना है तो आर, जैसे आर का मैग्नीट्यूड लिखा तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ये लिख दिया। अब एक और चीज़ आती है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया? कि अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूँ
कि ये जो रिजल्टेंट था ये एक्स के साथ कितने एंगल पर है, वाई के साथ कितने एंगल पर है और जेड के साथ कितने एंगल पर है। तो इनको हमने नाम दे दिया है अल्फा, बीटा और गामा। एक्स के साथ अल्फा पर था तो ये देखिए ये अल्फा एंगल हो गया, वाई के साथ बीटा पर था तो ये बीटा एंगल हो गया और गामा ये नीचे वाला गामा एंगल। तो जब हम इसको निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं उनको, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोस अल्फा की वैल्यू बी बाय एच, ठीक है, बी बाय एच कैसे, दिस इज द बेस और आपका ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये आपका हाइपोटेन्यूस और ये आपका बेस। ऐसे ही कोस बीटा के लिए आपका ए वाई है, दिस इज द वाई कंपोनेंट, ठीक है, और ए वाई और ये रिजल्टेंट ए। ऐसे ही गामा के लिए ए जेड वाई में ए। ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू तीनों एक्सिस के साथ अगर हमें निकालनी है तो वो टेन में नहीं रहेगी, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और अगर इनको सबको स्क्वेयर करके ऐड कर दें, कोस अल्फा स्क्वेयर, कोस बीटा स्क्वेयर और कोस अल्फा, तो इसकी वैल्यू वन आएगी हमेशा। तो ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र, ये क्या होगा मिलकर के ए स्क्र, नीचे भी क्या है ए स्क्र, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना ये था, ये यही तो है, ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू वन। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट आ जाता है वेक्टर्स का, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा देखना है किस तरीके से होंगे वो। डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब होता है स्केलर, दो वेक्टर का हम कर रहे हैं अभी। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई कर दो कोस एंगल के साथ। इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विद कोसाइन एंगल ऑफ बिटवीन देम। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात हो किन्हीं भी वेक्टर्स की, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस एंगल बिटवीन देम। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये क्या होता है। जो डॉट प्रोडक्ट है आपका वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव है, दो गुना तीन, तीन गुना दो, सेम डायरेक्शन, चेंज नहीं होने वाली, कम्यूटेटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो या ए को बी से और ए को सी से कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है इनमें, पैरेलल वेक्टर्स हों यानी ए और बी के बीच में एंगल जीरो हो जाए, थीटा वैल्यू जीरो हो, तो कोस जीरो क्या होता है वन, तो ये हमेशा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, कोस की वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि कोस जीरो क्या हो गया वहाँ पर वन। जैसे ए डॉट बी है और थीटा जीरो है तो कोस थीटा कोस जीरो वन हो गया, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जस्ट, यानी अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ए स्केयर आएगा, ऐसे ही बी से करेंगे तो बी स्केयर आ जाएगा। लेकिन अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखें परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो थीटा 90, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई जीरो, यानी अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं 90 के एंगल पर, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा हमेशा जीरो। ये ध्यान रखना है पैरेलल वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम देंगे और जो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड मिनिमम यानी कि जीरो के बराबर रहे, ठीक है। अब तीसरी बात ऑर्थोगोनल्स की, यानी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी हमने यूनिट वेक्टर आई जे और के की बात की थी, ये एक्स की डायरेक्शन में होता है आई, ये वाई की डायरेक्शन में होता है जे और ये के की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो जब हम यूनिट ऑर्थोगोनल्स लेते हैं इनको, आई जे और के को लेते हैं, ठीक है, उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी। अब देखो आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कोस जीरो की वैल्यू जीरो, यानी आई डॉट जे कितना होगा जीरो होगा। उसी तरीके से
जे डॉट आई कर लो, जे डॉट के कर लो, के डॉट जे कर लो, के डॉट आई, किसी को भी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा रिजल्ट कितना आएगा? जीरो, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना है? जीरो है, ऑर्थोगोनल्स हैं वो। ऑर्थोगोनल का मतलब यही है 90 डिग्री के एंगल पर एक्स वाई और जेड 90 डिग्री पर है सारे के सारे, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपस में किसी को भी प्रोडक्ट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होनी है, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन अगर आई को आई से यानी कि इसका यूनिट वेक्टर लेंगे उसकी वैल्यू वन होगी, जे को जे से करेंगे या के को के से करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? वन रहेगी हमेशा, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई करना है हमने। रेक्टेंगुलर अब समझ गए ना, अगर ए आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहाँ पर दो वेक्टर दे दिए ए और बी, ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये लिख दिया यहाँ पर, बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी करना है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में है ये। अब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा इसके हिसाब से? वन। तो यहां पर कितना आएगा? ए एक्स इंटू में बी एक्स, ठीक है। आई को जे से करेंगे तो 90 डिग्री खत्म हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर जीरो वाला। तो आई को यानी इसको इससे करेंगे तो भी जीरो, इसको इससे करेंगे तो भी क्या आएगा? जीरो, कुछ नहीं आने वाला। ऐसे ही जे को आई से करेंगे तो जीरो, जे को जे से करेंगे तो आएगा यानी कि ए वाई और बी वाई आएगा, ठीक है। जे को के से करेंगे तो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। ऐसे ही के को आई से करेंगे तो जीरो, के को जे से करेंगे तो भी जीरो, लेकिन के को के से करेंगे तो मैक्सिमम यानी कि ए जेड और बी जेड। तो दिस इज द रिजल्ट। अब देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। ये देखो जो मैंने लिखा है वही रिजल्ट आ गया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। यहाँ पर इसने पूरे को सॉल्व करके दिखाया हुआ, आई डॉट आई अगर है तो वन, आई डॉट जे है तो जीरो, जे डॉट के है तो जीरो, जे डॉट आई है तो जीरो, जे डॉट जे है तो वन, जे डॉट के है तो भी जीरो। ऐसे इन दोनों में रिजल्ट जीरो, ये देखो। सो दिस इज अबाउट द योर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे। थैंक यू।